and beef steak for the next नॉर्मली एक शहर में 10 से 15 लोगों की वॉलंटियर्स टीम रहती है एंड टू बी ऑनेस्ट द वीकेस्ट वी हैव इज दिल्ली. दिल्ली में मे बी लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग ज्यादा बिजी हैं. आई कैन अंडरस्टैंड, बट फॉर श्योर अगर आप में से कोई भी एज ए वॉलंटियर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे अगले प्रोग्राम के लिए तो जरूर आप हमारी टीम को बता सकते हैं, हमारे ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं. उसके लिए सिंपल सी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जरूर अगर आप फुलफिल कर पाएंगे विच इज प्रीटी ईजी. तो ये नॉलेज सिर्फ आप तक नहीं रहेगा बट आप भी नीमित बन सकते हैं इस नॉलेज को दूसरों तक लेकर जाने के लिए. यू कैन हेल्प अस टू रीच मोर पीपल, राइट? सो इफ यू विश टू बी अ पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस, आप मेरी टीम को बाहर जाते हुए अपना नाम लिखवा कर जा सकते हैं फॉर द वॉलंटियर्स के, जिससे अगले प्रोग्राम के लिए हम जरूर आपको याद रखें. बट थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. And friends, I'm really thankful to all the repeaters who is workshop mein maujood rahe, all the life members, you know. I mean, unke presence se energy bahut badal jata hai, main ye kehna chahunga. Aur bahut sare log hai jinko main thanks keh sakta hu. Like Delhi mein main jitne naam lo utne kam hai, but you know, I'll tell you something very very inspiring. Thank you. So, I'll tell you something very very inspiring and that is, dosto, yahan par आज एज यू कम टू द एंड, आपको पता है कि मैं सिर्फ जमानत पर छोड़ रहा हूं. आपको अगले हफ्ते वापस एक और बार आना है, हम एक और बार मिलने वाले हैं. सो डू कम विद योर फैमिली एंड अलोंग विद दैट. जो भी मटेरियल सर्टिफिकेशन आपको दिया जाएगा उसके लिए विश्वत आपको गाइड करेंगे कि आपको लेने के लिए कहां जाना है. बट फ्रेंड्स, ये आपका लाइफ टाइम मेंबरशिप का प्रोग्राम है. आई मेक श्योर कि आप साल में एक बार उसे रिवाइज कर सके, रिपीट कर सके जब कभी भी मौका है. और अगर इसी जर्नी को आप मेरे साथ नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस आप आ रहे हैं अवेकनिंग डे, ग्रेट, मोस्ट वेलकम. अगर आप आ रहे हैं अल्टीमेट में जो जनवरी में है, श्योर टेक अ फास्ट डिसीजन. एंड मे बी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप आना चाहेंगे ट्रेन द ट्रेनर, ग्रेट. इफ यू आर गोइंग फॉर द पैकेज, wonderful, but then see, it is again not about marketing, but honestly इस जर्नी को जितना आप कंटिन्यूअसली चालू रखेंगे उतना आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस ग्रोथ भी आपके लाइफ में वैसे ही होगा. बट चॉइस इज ऑलवेज योर्स, आई बी ऑलवेज वेटिंग. चाहे हमें स्टेज पर वापस मिले लाइफ टाइम मेंबरशिप में, चाहे दो घंटे के सेमिनार में, फ्री सेमिनार में भी वापस मिले, या लाइफ यूनिवर्सिटी में, जहां पर भी, आई वुड लव जब भी आप वापस आएंगे. इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर कि जहां पर मुझे मौका मिलेगा आपकी जिंदगी में कुछ भी शेयर करने का. सो थैंक यू वेरी मच. आपको कहीं पर भी मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं. अगर आप ना होते और कोई और होता तो भी मैंने अपना वही काम किया होता, बिकॉज दैट्स माय पर्पस, दिस इज व्हाट आई एम डिजाइन फॉर. ऊपर से मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए कि मुझे मेरे ईश्वर, मेरे भगवान ने जिस भी काम के लिए, जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया है, आप मुझे साथ दे रहे हैं सुन करके, इस नॉलेज को अपना करके, कि जब मैं अपना पर्पस पूरा कर सकूं. सो आई एम रियली 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 थैंकफुल फॉर दिस. काश मैं सभी से मिल सकूं, काश मैं सभी के साथ एक फोटो खिंचा सकूं, या काश मैं ये कहूंगा दोस्तों कि सभी को वन टू वन हाई फाइव दे सकूं, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज वो हो सकता है आपके लिए एक मिनट. जब आप कहेंगे सर सिर्फ एक मिनट चाहिए आपकी, बट यू नो व्हाट, 400 लोगों को मिलाकर वो 400 मिनट हो जाती है मेरे लिए. और कल से लेकर अभी तक इस स्टेज पर आपको कहीं पर भी ये फील नहीं हुआ होगा कि मैंने अपनी एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज किया है या अपनी एनर्जी को कम कर दिया. So, इस वजह से जब इस स्टेज को छोड़कर अब मैं यहां से जाऊंगा दोस्तों, शायद मैं आपको और वक्त ना दे सकूं, बट माय टीम इज देयर टू हेल्प मी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बट जाने से पहले
दो चीजें. एक, सभी के लिए एक फ्लाइंग हाई फाइव. थैंक यू, बाय बाय. और इस लो एनर्जी के साथ मैं नहीं जा रहा हूं, हम हाई एनर्जी के साथ ही इस स्टेज को तो जैसा कि मैंने दिखाया थोड़ा बहुत जितना भी, वैसे वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं थी हॉल के अंदर, तो जितना भी आपने देखा उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हम सभी को. तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं संदीप जी, जो मेरे दोस्त भी हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो अपने फ्यूचर में क्या क्या छोड़ने वाले हैं, क्या डिसीजन लेने वाले हैं जो उनके लाइफ के लिए बेटर होंगे. तो चलिए उनसे पूछते हैं. तो संदीप जी, आप क्या क्या बदलाव देखते हैं अपने अंदर, क्या छोड़ना चाह रहे हैं? मतलब देखिए मंजीत जी, ऐसा है, अभी जैसे हमने ये मोटिवेशनल एक लाइव सेमिनार अटेंड किया है आज एराज होटल में, सॉरी, तो जो दो दिन में हमने सीखा है, मैं एक्चुअली 10 साल से कंटिन्यूस ड्रिंक कर रहा था. मतलब कि 2-4 दिन के बाद, डेली नहीं तो पर 2-5 दिन के बाद, महीने में 4-5 बार जैसे कि हो जाती थी. पर आज जो मैंने यहाँ से 2 दिन में सीखा है, मैं आज के बाद अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा. जैसे कि मेरी रूटीन की आदत थी थोड़ा सा लेट उठने की, जैसे कि मेरी बॉडी भी डिस्टर्ब हो गई थी, जैसे कि मैं लेट नाइट तक या ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाता था. तो मैं दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, जिम जाऊँगा, वर्किंग करूँगा. और मैंने डिसीज़न लिया है, मैं 21 फरवरी मेरे बेटे का बर्थडे है, उस दिन तक मैं 25 किलो अपना वेट रिड्यूस करूँगा. और इसी होटल में जिन मैं अपने 4 दोस्तों के साथ आया हूँ, उन्हीं दोस्तों को लेके आऊँगा और यहाँ पे सेलिब्रेशन करूँगा. 21 फरवरी को तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे बेटे का बर्थडे है, बट 21 फरवरी के बाद जो भी दिन वीकेंड जैसे सैटरडे संडे होगा, तो मैं अपने 4 दोस्तों को लाऊंगा, यहाँ पे सेलिब्रेट करूँगा. और वो उस चीज़ से थोड़ा मोटिवेट होंगे कि इन्होंने टाइम रख के और अपना पूरा फोकस रखा अपने गोल पे. ये मेरे 2 गोल्स होंगे, कभी मैं लाइफ में कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा और अपनी बॉडी का ख्याल रखूँगा. क्योंकि शरीर है तो आप ज़्यादा वर्किंग कर सकते हो, लेट नाइट तक काम कर सकते हो, और अपने फैमिली को टाइम दूंगा प्रॉपरली. थैंक यू, बहुत अच्छा अच्छा डिसीजन है आपका. ओके, थैंक यू. थैंक यू. हमारे पास एक और हमारे दोस्त हैं नवजीवन जी, इनसे पूछते हैं कि ये क्या डिसीजन लेने वाले हैं, ये क्या छोड़ने वाले हैं, क्या इनका फोकस रहेगा लाइफ को लेकर. मेरी कोई बुरी आदत थी ही नहीं जिसको कि मैं ये कहूँ कि मैं किसी बुरी आदतों का शिकार था या कोई बुरी आदतें थी. लेकिन ये है कि एक किसी न किसी लेवल पे एक बूस्टिंग की, एक किसी न किसी लेवल पे एक कमज़ोरी अपने आप में फील होती थी कि भाई इस एज तक भी कुछ स्टैंड अप में कुछ नहीं करा है. तो ये है कि अब ये है कि कुछ एक लाइफ को सही ढंग से जीने का एक तरीका आ गया है कि सुबह मेडिटेशन है. यूँ पता तो था कि मेडिटेशन भी ठीक है, एक्सरसाइज भी ठीक है, पर 2-4 दिन हमें सब कोई आपको सब कुछ पता था, लेकिन यहाँ पे आके क्या चेंज लगा कि आपको यहाँ कि ये लगा कि जैसे हम कुछ चीज़ है कि बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाने करके भेजते हैं कि ये है कि भाई बच्चे को ये तो हमें भी पता है कि बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, ये हम वो ज्ञान हम भी दे सकते हैं. लेकिन जो टीचर से एक ऐसे गाइडेंस जो मिलता है वो अब मैंने अपने अंदर लिया है और मैं इसको प्रूव करूंगा कि एक सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन है, एक्सरसाइज, जो भी मुझे मुझे इतना कुछ मिला है कि उसको इम्प्लीमेंट एक दिन में नहीं होएगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि वो बहुत लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट पर सक्सेस पे ले जाएगा. चलो, बहुत अच्छा डिसीजन आपका और हम आशा करते हैं कि आप इस पर सक्सेस. और कुछ मेरी कुछ मेरे एंड पे कुछ मेरे फॉल्ट थे मेरी फैमिली के लिए कि मैं उनको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था, या मैं बिल्कुल ही मतलब लापरवाही क्या कहेंगे कि टाइम की वीकनेस कहेंगे, बिग टाइम मेरे को नहीं लग रहा था. लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इन सब को कंप्लीट करके सब कुछ ओके करूँगा. चलो, हम आशा करते हैं कि आपका जो फोकस है, आपका जो निर्णय है वो कायम रहे आगे भी. चलो, थैंक यू. हमारे एक और दोस्त हैं संजय वर्मा,
तो इनका एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेते हैं, ये क्या किस चीज़ पे फोकस करेंगे, क्या छोड़ना चाहेंगे अपनी बुरी आदतें, और किस चीज़ पे आगे ये निर्णय लेते हैं कि मुझे लाइफ में करना है। चलो इनसे पूछ लेते हैं क्या क्या करना चाहेंगे। तो संजय आप बताइए, आपको क्या क्या एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे आगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू अप्रिशिएट मी। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी थी, मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा लूज थी, मैं एक चीज़ में सोचता था फिर सोचने के बाद उस चीज़ पे कभी फुल ऑन डिसीजन नहीं ले पाता था। मेरे को खुद अपने आप अंदर आज के कहते हैं ऐसा एहसास हुआ कि मेरे को उस चीज़ को करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो मैं कभी भी समझ नहीं पाया था, फैमिली को इम्पोर्टेंस, ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी जो मेरे अंदर नेगेटिविटी भर रही थी। अब आने वाले फ्यूचर में वी सीम अ बिजनेस, बट क्या कहते हैं मैं उस चीज़ को फुलफ़िल कभी नहीं कर पाता था, क्योंकि एक स्टैंड पे आने के बाद मैं डर जाता था, मेरे अंदर थ्रेट था, बहुत ज़्यादा थ्रेट था। ऐसे कि कुछ बैड हैबिट्स थी उस चीज़ के इंटेंशन को ख़त्म करने के लिए, मैं सिगरेट्स पीता था, ड्रिंक भी करता था, बट आई थिंक क्या कहते हैं अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव कर लूँ तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई डिसाइड कि मैं कभी भी अब स्मोकिंग तो करने वाला नहीं हूँ, ड्रिंकिंग तो मैं वैसे नहीं करता इतनी ज़्यादा, ओकेजनली आई विल बी टेकिंग बिकॉज आई एम इन अ सेल्स मार्केट एंड लेट इट बी एंड कम्प्लीट वन थिंग। मुझे जो कुछ अच्छा लगा सबसे बड़ी चीज़, मैंने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया और मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को इसी तरीके से करना चाहता हूँ, आगे फुल ऑन इसको अपने फ्रेंड्स में और अपनी फैमिली में इसको बढ़ाता रहूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। माय नेम इज फेबियन, आई एम फ्रॉम जर्मनी, आई एम हियर इन दिल्ली और इन इंडिया फॉर 3 मंथ। आई एम हेल्पिंग एनजीओ फॉर प्रोवाइडिंग किड्स विद एजुकेशन, especially like I'm making movies and films, so I'm helping like the NGO to get better in social media and fundraising. We're always doing something, but here I really learned to actually use the time when you just enjoy the life and making things slowly, not so fast. It's like making something if you feel doing it, not because you have to do it.